हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। जो पिछले क्वेश्चन जो को करवाया हूँ, उस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ पहले ही कि मैं वीडियो शेड्यूल तरीके से लेते आऊँगा और हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। चलिए बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। 2 वीडियो ऑलरेडी मैट्रिक क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम के बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को डाल दिया हूँ, जाकर वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है। हरे पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो ये प्रश्न ये कहता है कि हरे पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, यानी कीट जो है वो किससे सांस लेते हैं। यानी कि प्रश्न मूलतः यही कहता है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, यानी कीट किससे सांस लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीट जो है वो ट्रेकिया से श्वसन क्रिया करता है। कीट कहाँ से श्वसन क्रिया करता है, तो कीट जो है वो ट्रेकिया से श्वसन क्रिया करता है। उसी का ट्रेकिया जो है वो कीटों का श्वसन अंग भी है। और दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, यानी कि वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए, और दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, यानी कि कोई एक क्रिया है ना जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, यानी को जो 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 जीव जिंदा है वो श्वसन क्रिया करेगा तभी जिंदा रहेगा। तो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों, छठा प्रश्न है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, यानी कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए, यानी पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण का उपयोग होता है, विसरण का उपयोग होता है। और दोस्तों, सातवां प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि, यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत जीव, यानी कि कवक जो है मृत जीवों का पोषण करता है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी पोषण कवक में होता है। चलिए, नौवां प्रश्न की प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी कि प्रकृति में जो है वो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मतलब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, 10वां प्रश्न है कि अस्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है, यानी कि देखिए अस्टोमाटा जो हो गया वो रंध्र का इंग्लिश हो गया, तो कभी एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी पूछ देता है, तो अस्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा, तो 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो जब तक मैं बायोलॉजी का उतना क्वेश्चन नहीं करा दूंगा जितना कि आप लोग के एग्जाम में अगर याद करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे प्रश्न बायोलॉजी से बना कर आएंगे, तब तक मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए, तीसरे वीडियो आज हो गया, तो इस तरह से अभी और सारे वीडियो बनेंगे, मतलब बहुत सब क्वेश्चन जो बहुत जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग तैयारी को मजबूत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।